हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। रात को सोई थी कंचन के घर, तो कंचन के घर ना थोड़ी सी ना पता नहीं एसी को क्या हो गया। एसी में क्या था कि उसकी कूलिंग ही नहीं आ रही थी एसी की। उसमें गैस भी डलवाई थी जब एसी दूसरी जगह लगवाया था ना, अब तो उसमें गैस लीक हो गई थी, तो गैस भी डलवाई। पता नहीं इतनी गर्मी थी हो गई थी एकदम उधर, तो रात को मेरे को नींद ही नहीं आई। तो सुबह उठ के मैं आई सवेरे मॉर्निंग टाइम 6 बजे, 5:45 बजे आ गई थी मैं चाय पी के उधर से। तो मैं आते ही मैंने ना मशीन लगाई, कपड़े धोने वाले पड़े थे मेरे, तो मैंने आते ही मशीन लगाई। कुछ मेरी चादरें भी उतारी हुई थी, मैंने वो भी धोनी थी। तो फिर मैं आते ही मशीन लगा के कपड़े धोने लग गई थी। सफाई मैंने कहा बाद में करूँगी, पहले मैं मशीन लगाती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। रात को सोई थी, खाना पीना उधर ही खाया था। रोटी मैंने रात को बनाई नहीं थी, नन्नू गया हुआ माता के। आज 4-5 दिन हो गए पक्षुनाथ तक क्या है, तो मेरा दिल भी नहीं लगता था। प्रियांश भी उधर ही रहता, कभी इधर आ जाता कभी उधर रहता। कल वो आया नहीं था, मैं कहा चल मैं ही उनके पास जाके सो जाती हूँ। मैं रात को उधर ही सो गई थी। तो कल जो साड़ी थी वो मैंने आपको बताई थी ना कि मेरी सासू माँ ने लेके दी थी, वो मेरे को बहुत साड़ियाँ लेके देते थे। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ थी, जो वो साड़ी पूछ रहे थे सब लोग वो कितने की आई थी। उस टाइम वो साड़ी 5500 की थी, 5500 की साड़ी थी वो, जिस टाइम मैंने ली थी, मेरी सास ने लेके दी थी वो। सब लोग लिंक पूछ रहे थे वो साड़ी का। तो मैं अपने परिवार में अकेली थी, ना कोई मेरे नंद थी, ना कोई मेरी देवर दरानी थी, कोई ना जेठानी थी, मतलब कि मैं अपनी फैमिली में अकेली थी। चाचा ताऊ की तो हैं, मगर जो मैं थी ना मैं अकेली थी। तो मेरे वो कपड़े कपड़े मेरे लिए अच्छे लेते थे, अच्छे पहनाते थे मेरे को कपड़े, कि मैं सबसे बड़ी थी। और मेरी जो सास थी वो भी सबसे बड़ी थी, उनके 5 भाई थे देवर थे, तो वो सबसे बड़े थे, इसी वजह से मैं भी बड़ी थी। तो मेरे लिए कपड़े वो अच्छे लेके देते थे। कोई शादी होने मेरे 11 देवर थे, जब उनकी शादी हुई तो मेरे को हर शादी में साड़ी ली के दी उन्होंने अच्छे से अच्छे से। जब मैं शादी होती थी ना मेरे को अच्छी साड़ी लेके देते थे, तो मैं वो सोचते थे कि मेरी बहू, मेरी जो बहू है वो अच्छी लगे, अच्छी साड़ी पहने। तो हाँ मैं ना संभाल संभाल के रखती थी अपनी साड़ियों को, जैसे एक शादी में एक साड़ी डाली और फिर संभाल के रख दी। फिर दूसरी शादी हुई, मेरी नंद की शादी हुई, तो उसमें मेरे ससुर जी ने मेरे को अच्छी साड़ी लेके दी। ऐसे करके ना मेरे देवरों की शादी हुई, देवरों की शादी में लेके दी। जब नन्नू हमारा हुआ, तो हमारे नन्नू का जब वो हमारा वो था कुआ पूजना था, उस पे मेरी माँ ने साड़ी लेके दी। वो भी बहुत महंगी थी, इतनी अच्छी थी, क्योंकि मेरे 6 लड़कियाँ हुई थी, जो कि 3 अभी मौजूद हैं, तो बाकी तो 3 ऐसी ख़राब हो गई थी, बची नहीं थी। और जो हमारा नन्नू है ना वो सबसे छोटा है, तो उसका जो हम जब कुआ पूजा था ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी मनाई थी। और जो होता है ना जागरण, वो बहुत भारी जागरण करवाया था, पूरे रिश्तेदार बुलाए थे। जो मेरी सास की भी मतलब के भतीजियाँ थी, बहुत दूर दूर से रिश्तेदार आए थे, जितनी लड़कियां थी हमारे परिवार में सब लड़कियों को बुलाया था। और कंचन के डैडी ने इतने सूट खरीदे थे सबको देने के लिए, इतना इकट्ठा कपड़ा खरीदा था कि सबको देने के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीदा था, जब वो उस टाइम चलता था कि सब लड़कियों को अच्छे कपड़े देंगे। मेरा लड़का बहुत सालों बाद हुआ, खुशी मनाई थी। जो हमारे जो आते हैं ना महंत, जिनको बोलते हैं खुसरे, उनको भी अच्छा दिया था लेन देन, और उनके लिए अच्छे कपड़े लेके दिए थे, एक से जैसे दूसरी लड़कियों को दिए थे ऐसे। वो महंत थी ना, वो इसके कंचन के पापा की ना सिस्टर बनी हुई थी, हर बार त्योहार दे के आते थे हम उसको। तो ऐसे करके ना कि वो उस टाइम साड़ियाँ ली थी हमने, इतनी महंगी महंगी, मैंने कितनी साड़ियाँ गुड्डू को दे दी थी। आज मैंने पूछा था गुड्डू वो साड़ी कहाँ है, गुड्डू कहती मम्मी रखी है। तो जब मैं आज मेरी देख के साड़ियाँ वो पिछली वो ही याद आ गई कि मैं इतनी अच्छी साड़ियाँ बांधती थी। अगर मैं भी उस टाइम चैनल अपना चलाती साड़ियाँ बांध के, तो मेरी भी अच्छा चैनल चलता। अब मेरी सिंपल वीडियो होती है तो चलती नहीं है, चलो मजबूरी है ना, चलाना पड़ता चैनल।
तो दिल में कुछ ऐसे ठेस तो बजती है कि मेरियाँ साड़ियाँ थी आज मैं पहनती, मैं मेरा भी परिवार होता पूरा, मेरे सास ससुर होते है ना, मेरा भी हस्बैंड होता, तो मैं भी ऐसी वीडियो बनाती खुश हो के। अब बनाती हूँ, घर का काम करते बना लेती हूँ, उम्र उम्र से अच्छा लगता है सब कुछ। जब मेरी भी बहू होएगी है ना, मैं भी ऐसी साड़ियाँ खरीद खरीद के देऊँगी, क्योंकि मेरा भी नन्नू अकेला है तो मैं भी उसके लिए संभाल संभाल के रखती हूँ। जो भी चीज़ होती है कोई ख़रीदती हूँ या कोई गहना वगैरह लेती हूँ तो मैं संभाल के रखती हूँ कि नन्नू की बहू के काम आएगा। कोई अच्छा सूट आता है या कोई साड़ी मंदिर में आती है तो मैं उसको रख लेती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि नहीं मेरी बहू के काम आएगी। अब तो मैं लड़कियों को दे देती हूँ, अब मैं फिर सोचती रहती हूँ कि अब मैं ना रखूँगी नन्नू के लिए। मैं फुलकारी भी लेके आई थी नन्नू के बहू के लिए, वो भी मैंने संभाल के रखी थी भी नन्नू की जब मैं रिश्ता करूँगी शगन डालूँगी तो यही फुलकारी दूँगी। तो अभी मेरा एक जो आपको रखा था ना पीलिया, वो मैंने संभाल कितने सालों से मैंने संभाल के रखा कि जब मेरी भी बहू को मैं भी अपनी बहू के ये पीलिया उड़ाऊँगी। वैसे तो माँ बाप लेके आते हो पीलिया है ना, मैंने यही पीलिया संभाल के रखा था जो नन्नू का था, क्योंकि बार बार तो पीलिया लिया नहीं जाता, एक बार ही लेती हैं, बाद में कोई बार द्वार होता तो। पर मेरे लिए तो बार द्वार भी ख़त्म हो गए थे कि नन्नू अभी छोटा ही था जब उसके डैडी की डेथ हो गई थी, तो वो पीलिया मैंने उठा के रख दिया था। मैं सोचती थी कि अब मैंने क्या करना इन चीज़ों का, साड़ियाँ भी ऐसे रख दी थी कि क्या करना मैंने इन चीज़ों का। तो मैं कंचन को बोली, मम्मी ये पीलिया तो संभाल के रख, जो चुंदड़ी है तेरी ये संभाल के रख, आगे जाके काम आएगी नन्नू के बहू के लिए। जो खानदानी है ना, जो चुंदड़ी या जो भी चीज़ होती है खानदानी पर रखते हैं कि तू यही चुंदड़ी उसको उड़ाना, जब उसकी शादी होएगी उसके बच्चे होंगे तो तू ये पीलिया देना। तो मैं वो इन्हें संभाल के रख दिया। कल कंचन को, कंचन के पास आपने देखा ही होएगा, जाओ बाद में उड़ा था उसने इधर घर आके लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा था। मेरी माँ ने और मेरी सास ने इकट्ठे जाके लिया था, हमारे इधर से लिया था, क्योंकि हमारे जो मेरे पेके साइड आ वो गांव में है थोड़ा सा, अभी इतना शहर भी नहीं, शहर छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है, उधर मिलता नहीं था। तो वो फिर इधर आके लिया था जब नन्नू हुआ था ना, इधर से पीलिया अच्छे मिलते हैं हमारे पंजाब है वैसे तो, पर मिल जाते हैं बड़ी सारी दुकान पर मिल जाते हैं, तो हमारे इधर लिया था पीलिया हमने। तो ये देखो उनकी याददाश्त है ना, सास भी नहीं गई मेरी और मेरी माँ तो चलो है अभी, अभी माता रानी उसकी ज़िंदगी बनाई रखे, वैसे तो बीमार रहती है तो यादगिरी रह जाती है जब कोई चीज़ होती है तो, निकाल निकाल कंचू देखती रहती है। जो सिर के ऊपर वो पुआ पूजने के टाइम पे लिया जाता है ना, वो भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं, जिसको टोकनी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो छोटी छोटी होती हैं सिर के ऊपर, जिसमें पीपल का वो तोड़ के लगाया जाता है कुआ पूजन के टाइम पे, तो वो भी मैंने संभाल के रखा हुआ सब कुछ। दिखाऊंगी जिस दिन पेटी खोली मैं उस दिन आपको दिखाऊंगी कि मेरी क्या क्या चीज़ें मैंने संभाल के रखी हैं। मेरी सास को बहुत शौक था इन चीज़ों का, वो मेरे को हर चीज़ लेके देते थे, हर चीज़ उनकी ख्वाहिश थी भी मैं ये भी करूँ आपकी बहू के लिए ये भी करूँ। तो मैं आज बनाने लगी थी आलू के परौंठे, मेरा दिल कर रहा था, मैं क्या भी सब्जी कोई बनाई नहीं थी मैंने इधर, तो मैं चल आलू के परौंठे बना लेती हूँ, नहा के मैं रेडी हो गई थी। उधर से वो बीबी मालिश वाली आती है तो वो सवेरे आज जल्दी आ गई थी, नहीं तो दोपहर को आती है, तो वो मैंने सुच्चा डब्बा रखा हो तो उसमें से मैंने देसी घी निकाला। जैसे मैं आप खाती हूँ वैसे मैं दूसरों को खिलाती हूँ, मैं फ़र्क नहीं करती भी कोई ऐसी है। आंटी भी आ गई थी सवेरे मॉर्निंग टाइम आज, तो बीबी भी आ गई थी, बीबी बैठ गई थी, मैं कहा चलो उसको बोलने बोल दिया था कि खाना खा के जाना, परौंठे खा के जाना, मैं आलू के परौंठे बना रही हूँ। कंचन को भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि तू भी मेरे पास रोटी खा लेना। नन्नू गया हुआ मेरा दिल नहीं लगता तो मैं सबको बुला लेती हूँ, नहीं दिल नहीं लगता तो मैं उधर चली जाती हूँ कंचन के घर चली जाती हूँ। तो मिर्च का मैंने चार डाला हुआ था, साथ में मैंने चार रख दिया था, दही मैंने बोली हुई थी कंचन को लेके आएगी, वो लेके नहीं आई थी, थोड़ा लेट हो गई थी। तो मैं फिर परौंठे और चाय बनाई, चाय के साथ उनको परौंठे दे दिए। बाद में मैं सबसे बाद में खाती हूँ, जब सबको खिला लेती हूँ ना उसके बाद मैं आप खाती हूँ। तो मैंने बीबी को भी रोक लिया, आंटी बोलती मैं अभी आ रही हूँ थोड़ा सा काम जाना, मैंने कहीं आके रोटी खाऊँगी, मैं कहा ठीक है। जब मैं बना के बैठी तो इतने में आंटी भी आ गई थी, जो आंटी आप वीडियो में अब तो नहीं आती, पहले बहुत ज़्यादा आते थे। मैं कहा बीबी को इतने पहले, मैं सबसे पहले बुज़ुर्ग माँ को खवाती हूँ, जो बीबी है ना वो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग है, तो
तो मैं वीडियो में नहीं लिया, अच्छा नहीं लगता किसी की है ना खाना खवाते हुए वीडियो बनाओ। तो मैं बना रही थी परौंठे आलू के, आलू मैंने पहले उबाल लिए थे, आलू उबाल के मैं काम करने लगी थी। इतने में आलू ठंडे हो गए थे, मैंने मिक्सर बना लिया, उसमें प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा मसाला ऐसे डाल के मैंने मिक्सर तैयार कर लिया था, वो जो आलू का होता है। उसके बाद मैंने बनाए परौंठे, देसी घी उनके ऊपर लगाया, रिफाइंड मैंने खोला नहीं था, मैं कहा चलो देसी घी के बनाती हूँ, क्योंकि मैं रिफाइंड के परौंठे खाती नहीं हूँ, तो मैं देसी घी के बनाती हूँ। मैं कहा चलो इनके लिए भी दो दो परौंठे देसी घी के बना देती हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने परौंठे देसी घी के बनाऊँ, इनको रिफाइंड के बनाऊँ। चलो मैं, भगवान देखता है ना, कोई नहीं देखता तो भगवान तो देखता है ना। आलू के परौंठे और दही साथ में, दही में काली मिर्च और नमक डाला है, आप भी खाओ सब। ये देखो मैं बाहर खड़ी सी गर्मी च, आ गया चीनू स्कूल से, उतर भाई उतर भाई उतर। कितनी गर्मी है, पैर नीचे लगा के तुरै कर। आहो चाबी तो ले ला, तो बैग ले तो खोलो, खोल खोल चीनू, गर्मी बहुत है, मैं तो बहुत देर दी खड़ी हूँ, मैं तो क्या आ गया होगा स्कूलों। खोल लूगा ले, गेट तो खोलना होता। अच्छा सुट के मारना, गर्मी जे गर्मी बहुत है, सुट के मारना, होर की करना। ले रोटी आ रखी है, मैं लेके आई थी रोटी है ना, ये थी तो चार्जर कुछ होए होए चार्जर है पड़ा भाई, फोन तेरा तारो पर दे।